और ये समिया ये रख दो तो फिर करेगा आपको भी मार देगा। लड़ना नहीं है। क्या करें, कामरान भी ठीक कहता है। अच्छा, या गिरे हैं या कुछ भी हुआ है ना, हाँ फिर भी वही ड्राइवरी है। रात को भी माशाल्लाह इसने खाए हैं। ओ इसको क्या हो गया कामरान? पानी पिला रहे। अच्छा पानी पिलाने आए हो भैया, ऐसे दबाओ इसको बोतल रख के ना। माशाल्लाह चावल बांटे जा रहे हैं, सुबह के लिए भी रख दिए थे। बरात बच गए ना, याद ले थे फिर। बरकत पाए गई जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी सबको फिर खिला रही है। जो दे देते हैं, अभी कोई सोया हुआ है कोई। हाँ हाँ, नाश्ता करेंगे फिर बच्चे सब जाएंगे अपने अपने काम पर। जी जी इंशाल्लाह। कामरान चावल खा रहा है, रात को भी माशाल्लाह इसने खाए हैं। दूसरी बार भी आया हुआ था फ्रिज में उठा। भूख लगी हुई थी। मैंने बच्चा थे। हाँ प्लेट ले गया, फिर थोड़े खा दिया तो रख दिया। हाँ जी चलो कोई बात नहीं, सारे खा लेते हैं। तो ज्यादा डाल गया था। अच्छा कुछ रख दिया। सही है सही है। सच्ची नहीं डाल के खाता, ये भी मीठे है। जो खाए हैं उधर ही डाला होगा ना। फिर मिक्स होगी ना सारी। बस साइड वालों से मिक्स होगी, इस दांत नहीं होगी दूसरी साइड पे। आपने ऐसे नमकीन खाने आए? नहीं मैं आप रात को टिक्की नहीं डाली थी। तो फिर वैसे बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं है जो नूरू नहीं दे ले। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक हो। सो अलहमदिल्ला सब ठीक है, गर्मी माशाल्लाह सब ठीक ठाक है। सुबह सुबह का टाइम है, हम खा रहे हैं चावलों का नाश्ता। जो बहन भाई खाना हो जाए चावल खा ले। हाँ जी जो बीमार है अल्लाह पाक ना उन्हें शफा दे। आमीन। अल्लाह पाक ने को चलने की तौफीक अता फरमाए। जन बहन भाइयों की औलाद नहीं है, अल्लाह पाक ने उन्हें को नेक औलाद से नवाजे। सुबह सुबह की दुआ है, अल्लाह पाक ना कबूल करेगा इंशाल्लाह। और ये देखें ये चावल जो है, रात को कैसे आपने पता नहीं देखे या नहीं, अभी भी देख लें। आलू वाला पुलाव बनाया था, मजे का है बहुत। शिबला कहता है मुझे भी दो चावल। कहाँ है वो? बैठा है वो, छुप के बैठा है उतरे में। चावल खाना चाहते हो? रोटी खा ली? अच्छा हाँ, पहले हाँ जी फिर ना जी। चाय पी है। अच्छा अच्छा, चाय अकेले अकेले पी ली। चलो ये लो चावल खाओ, मजे करो, और क्या याद करोगे। सोबिया भी खा गई, थोड़े से खाए फिर। अच्छा ये लो बाबू, इधर कौसर भी नाश्ता पका रही है माशाल्लाह। कितनी देर है कौसर? अभी बना रही हूँ। अभी आटा रखा हुआ है। ये देखें जी, तीन पेड़े हैं, उधर भी तीन चार हो जाएंगे। पक रही है, चूरी के लिए भी पक रही है। डेली होती है ना। सोबिया कहती थी मैं भी सुबह चूरी, वो जो अम्मी ताज़ा मक्खन होता है ना, वो कहती थी मैं उसी से बना के खाऊंगी। अच्छा अच्छा, आई बैठी थी मैं शायद उधर झाड़ू लगा रही है। अच्छा चलो आपकी मर्जी। बाद में कचरा उठा लूंगी। कचरा बाद में, रेस्ट करने के बाद। अच्छा अभी और चावल खाने हैं तो अम्मी ने रखे हुए हैं। बस हिम्मत है, हमसे पहले खा पी के पेट भर लिए। हाँ जी हाँ जी। और माशाल्लाह घी भी लगा रही है कौसर। हाँ जी। वैसे सुबह नाश्ते के टाइम ना ये रोटी खुद बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। कल मुश्किल से हम दो बंदों ने एक रोटी खाई थी। गर्मियाँ है ना सुबह सुबह, फिर खाने के लिए कुछ नहीं होता। हाँ ऐसे कभी कभी कुछ होता है। तो आज तो लगे हुए हो।
आज तो फिर कुछ नहीं है ना के पक्की हो या हांडी? नहीं। तो फिर कैसे खिलाओगे मेहमानों को नाश्ता? पता नहीं, कुछ मंगवा लेते हैं, बच्चों को भेज देते हैं, चलो वो चीज बना के उनको नाश्ता तो दो। ऐसे ही दाल तो रखी होगी, दाल थोड़ी सी बना के हरी मिर्च डाल। अच्छा, दाल ही बना ले। चलो, और ये देखें इरफान साहब, उठ जाओ इरफान साहब। हाँ उर्वा, चावल खा रही हो, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, मीठे हैं, चीनी डाली हुई है। हाँ उस्मान साहब, तबीयत का सुनाओ, ये बटन बंद कर लो। तबीयत रात को ना इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो चावल खाए ना एलर्जी हो गई थी, वो डम के निकल आए। पता नहीं इसको चावल नहीं भाते। नहीं, पहले तो ऐसा नहीं होता कब। अच्छा, पहली बार है चावल खाते है, खुद नींद ना आते, इतनी डम के थी गए मुंह ते भाई सारे जिस्म ते नींद गर्मी हुई है, पता है क्या थी गया। हाँ जी, मेहमान ने खाया ना, उधर भी गोश्त खाया, चावल खाया, इधर भी खाया, दो दावतें खाते रहे ना, सारा गर्म चीजें एक साथ खाओ तो ऐसे होता है, गर्मी की वजह से। हाँ, ये तो बता हफ्ते दो हफ्ते बाद थोड़ी बहुत खा लेते तो जी जी, लेकिन उतने पता कितनी जल्दी है देखना है। मुंह 3-4 दिन उधर रहे हैं, अभी भी सूजा हुआ लग रहा है एक साइड पे। चलो यार, अल्लाह रहमत करेगा, रात को जो गोली खाई थी अभी भी खा लेना, सेट हो जाओगे बिल्कुल। हाँ अब बताओ। क्या बताऊं? काम शाम कर लिए सारे, चाय बना ली? हाँ, चाय बना के झाड़ू लगा ली, और अभी देखे कमरों में वो कचरे वगैरह बाहर रखे हुए हैं। अच्छा, अभी रेस्ट करूंगी फिर जाना उठाऊंगी। ताकि भेजा ना। चलो जैसे आपका दिल करे, हमें क्या, चाहे आप सूरज जहाँ पहुँच जाए ऊपर तब करो, चाहे अभी करो, चाहे सुबह नहीं, ठंडे टाइम झाड़ू लगा लिया है ना। हाँ, फिर वो भाप की रोटी पका लेंगी, फिर वो बिस्तर उठाती जाएगी, मैं जाला लपेटती जाऊंगी, फिर वो ना हवा घुल चल रही है। हाँ, हवा घुल घुल रही है। चलो कोई नहीं, तो चूरी बिल्कुल भी नहीं खानी, इनकार कर दिया। दिल नहीं कर, आज मैंने चावल खाए हैं। चलो अम्मी, मेरे लिए भी चावल दो, इसने तो खा लिए अकेले अकेले। आप सोए हुए थे, मैं उठी जब चाय बनाने के लिए, मैंने कहा पहले मुंह धो के, मैंने कहा चलो चावल पहले मैं खा लूं। पहले मैं खा लूं, कोई और ना खा जाए। अच्छा चलो, दरअसल ना वो साकिब का दूध लेने गई थी, वो उसे छावनी में रखा हुआ था बाहर वाले, तो देखा चावलों की प्लेट रखी थी, मैंने कहा क्यों ना मैं ये खा लूं। चंगी गाल है, भूख लगी हो तो खा लेना चाहिए, ऐसी थोड़ी बात है कि कोई रुकावट थोड़ी है, अपना तो घर होता है। अगर रात को भी आपको भूख लगती तो कोई मसला नहीं था, खा सकती थी। नहीं, रात को इतना भूख नहीं लगी थी, जो थोड़े से खाए थे, आपको पता है ना। हाँ मुझे तो पता है, बैठ जाओ, क्यों नहीं बैठ रहा है? रात को थोड़े से खाए थे। मैंने कहा ऐसे थके हुए उठे हो, ये ना हो के सो सो के थक जाते हैं ना। नहीं, रात भर नींद ही नहीं आई, ये तकरीबन 1 बजे तक तो हम जागते रहे, उसके बाद भी अभी माँ बेटा उठे बैठे रहे, इनको ऑयल दिया, मैंने कहा वो मालिश करो, मालिश किया, फिर भी आराम नहीं। फिर अब्बू के पास गोलियां थी, एक गोली खाई फिर सुकून आया। ये किसी किसी को ना ऐसे होता है, किसी को चावल से एलर्जी होती है, किसी की गोश्त। वो मेरे बहन का शौहर है ना सलमान, उसको बोला वो जब भी गोश्त खाता है, अगर बोटी कोई खा लेना तो उसको एलर्जी हो जाती है, वैसे शोर का बोल। ये और कोई मसला नहीं, चावलों से नहीं हुआ, ये उधर भी दावतें खाते रहे हैं ना, उधर भी ये चावल गोश्त होंगे। हाँ, एक बार ना
तो साजा ने बोला कि मुझे पता नहीं था, मैंने कहा कि गोटी खाओ, मैंने जिद्दी की फिर एक गोटी खाई, ऐसे जस्ट वो डॉग के हो गए सारे लर्जी के। हाँ। फिर अब वो नहीं खाते ना वो। चलो कोई बात नहीं, बकरियां हमारी जो हैं बाहर निकल आई है, ये देखे। ओ इसको क्या हो गया कामरान? पता नहीं क्या हो गया, कल वो था आज फिर वो। अच्छा, क्या पता कोई कांटे वगैरह लग जाते हो। अभी इनको लेके नहीं जा रहे, ढक रहे हो, वो गायें लेके जा रहे हैं मुनीब। अभी वो बकरे वो देखे दी, गायें जा रही हैं। पहले तो कुछ मेरे ख्याल में चाचू की भी हैं, पत्नी अपनी है सर। हाँ ये तो अपने वाले हैं। जाओ जाओ शाबाश, छोड़ के आओ जंगल में। एक आगे जा रही है ममोली, ममोली को जल्दी जाने की है पड़ी हुई है, ये जंगल के रास्ते जानती है, जिस रास्ते से मर्जी आ जाए ना। बहुत पुरानी गाय है, ऐसे सीधे रास्ते पकड़ेगी तो अगर शाम को वापस भी आना चाहे तो ये आ जाती है, सब को लेके वही जाती है। पानी पिलाओ, अभी तो हसीब फ्री नहीं हुआ ना, हसीब फ्री हो जाएगा फिर वो ले जाएगा। बाकी इनको भी घास डाला है, लेकिन कुछ घास बचा हुआ है वो फिर डालेगी अम्मी जान, जब वो खा लेंगे फिर इनको पानी पिलाएंगे, पानी पिलाने के बाद फिर जो है इनको छांव पे बांध देंगे इंशाल्लाह। बोतलें भाल ली हैं? अच्छा वो थक भी गई, मैं बात कर रहा हूँ नीचे बैठ गई हो। अच्छा मेरे वाला तरीका कर रही हो, ऐसे दबाओ इसको बोतल रख के ना, उसको बटन को दबाओ। बर्फ लेने जाए ना तो फिर और पानी भी लेके आना। ऐसे बटन को तो दबाओ पहले, ऊपर से फिर बोतल आ जाएगी, फिर उसको ऐसे करके आप छोड़ दो दबा के, फिर नीचे से पकड़ लो। ऐसे किया करो, हमने तो ऐसे किया हुआ है जब भी बोतलें भरते हैं। बस इतनी से बोतलें भर रहे हैं, कितने इतने से। अबू कहते हैं कि बहुत ज्यादा ना रखा करो, छह इधर पानी रखना कूलर में, जो बच्चे कुप्पे में वो डाल के खाली है, दोनों खाली है, यही पानी है। अच्छा कुप्पे भी खाली, अभी इसमें ना अभी दो कॉलर भी भरने हैं और एक बाल्टी भी। अच्छा ये खत्म हो जाएगा। अच्छा जब बर्फ लेने जाए तो और लेके आना। अल्लाह खैर करे, बेड़े पार करे सही इंशाल्लाह। अभी अभी बच्चे जा रहे हैं घास काटने, घास काट के वापस आते हैं, फिर ये बोतल जो बाहर के रख रहे हैं ना उधर से ही खत्म कर देते हैं। अच्छा कुछ भी नहीं होता फिर। जी जी लो उठा लो, उठ पाओगी? मैं समझा अब इतनी कमजोर हो गई है बोतल उठा के भी नहीं उठ पाते, तगड़ी है माशाल्लाह। हाँ जी कौन जा रहा है? कमरान से कहा है, मैंने कहा चले जाएं आज उसको दवाई वगैरह लेते हैं, एक दो दिन वो रेस्ट करेगा ना तो जल्दी ठीक हो जाएगी टांग। ऐसे क्या तो वो भी नहीं करता यार, वो क्या करें, कमरान भी ठीक कहता है। अच्छा या गिरे हैं या कुछ भी हुआ है ना, हाँ फिर भी वही ड्राइवरी वही करते हैं, वो इसीलिए नाराज है कमरान। चलो आपको पता है अभी गिर गए हैं, ऐसा चोटें लग गई हैं, कोई भी काम है ऐसा ऐसा जाओ दवाई लेने जाना है कोई। जी जी फिर वही स्पीड है। उड़ा लेते हैं बाइक को, समझाते हैं समझाते हैं, उस वक्त कानों में चली जाती है, इस कान से निकाल के छोड़ लेते हैं। हाँ आप जितनी बार समझाओ ना, ये दोनों हसीब चाहे मुनीब है, मुनीब को आप कभी आजमा लेना, इधर से बाइक दे दो पीछे बांध के खड़े होकर देख लो कैसे भगा के जाता है। चाहे उसके पहले टांग का मसला भी बना, कोई बात करते हैं तो फिर पार्टी ये जवाब मिलता है हम अंदर नहीं चलाएंगे, आप राशन खुद ले आओ। चलो यार खुद ले आएंगे यार। बस ऐसा ही कहते हैं, हम खुद ले आएंगे, पहले भी तो लेते थे जब ये नहीं चलाते थे। हाँ जी फिर आगे से बस हंसते रहते हैं, देखो अब ऐसा चलाओ तो क्या होता है। क्यों समझा रहे हैं, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं,
यार अपनी जान की तो हिफाजत करो, बाइक तो चलो जो मर गई मर गई। इरफान को देखो वीडियो में क्यों नहीं आता आज तक, वो क्यों शर्म कर रहा है, उसके दांत नहीं पैदा हुए। वो भी आपकी तरह चला ऐसे बाइक पे, वो ना पूरी जिंदगी का वो उसका शर्मसारी है ना, दांत नहीं है। पूरा मुंह ऐसे हो गया था ना, देखने का बना हुआ था, सारे लोग परेशान रो रहे थे अम्मी देख देख के, उस टाइम जब उसको धक लगे थे, है ना अम्मी इरफान को। तो उस दिन ही दांत टूट गए थे उसके, अभी तक नहीं हुए। जो भी आज चोट लग जाएगी ना पूरी जिंदगी के लिए वो एक दाग लग जाएगा। इनको ये समझ नहीं आती, ये कहते हैं बस चोटें तो लगती रहती हैं जवानों को, ये जवानी है इनको, जवानी में जो चोटें लगती है। जो खराब हुआ है ये जला हुआ है, अगर ये ठीक ना हुआ, गोश्त सारा गलता गया, फिर क्या करोगे? अच्छा आइंदा एहतियात करना। अरे माँ बाप समझाते हैं, अच्छी बात है असीब, शुक्र करो कि माँ बाप जिंदा हैं और समझाने के लिए हैं, वरना ऐसी बातें कोई नहीं समझाता, फिर बिगाड़ते हैं। फिर से आ रही है बकरियाँ, ठीक है अमल करो और आहिस्ता आहिस्ता चलाना है बिल्कुल बाइक आइंदा। कामरान कहाँ चला गया? वो भी उधर गया था। कामरान की बकरियाँ आगे गई हुई हैं। अच्छा ये शकील की है, ये पीछे थी। चल कोई बात नहीं। अम्मी आपको कितनी देर है अभी तक भी काम कर रही है? अभी देर है थोड़ी सी। अच्छा जब से मिट्टी डाली है बड़ी सफेद है ना? सफेद पड़ी है। हाँ कोई मसला नहीं हुआ? जी जी हाँ हाँ ताज़ी सफाई हो जाती है। वो खाला वाले आते हैं ना यही गोबर उठाने, ताज़ा गोबर वो कहते हैं। कल तो लेके आज कोई नहीं आया, मैं देखती रही, मैं से आज पता लिपाई वगैरह वो कल जो गए थे ना वो ढूले वगैरह लिपाई कर रहे थे। हाँ जी अगर जाएंगे जरूरत पड़ी तो उधर के ले जाएंगे, नहीं तो जी जी सही है। चलो कर लो, कर लूँ घास भी खा लें फिर जो पानी पिलाऊंगी। जी जी गर्मी हो जाती है फिर घास भी नहीं खाते थे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ ले आयो खोता, इधर घर क्यों ले आयो, रेडी तो बाहर खड़ी है। पानी पिला रहे। अच्छा पानी पिलाने आयो, सही है सही है। पीछे रखो नल के अंदर ले जाओगे यार, बाहर के बाहर रखो, बट्टा बाहर लो उधर से, उधर बर्तन वगैरह होते हैं आप ना ले जाया करो यार, इसको बाहर जल लो इधर बाहर। हाँ बाहर के ना पीछे रखो, घास काटने जाओगे? चलो अबू मुनीब के बाल देखो डिजाइन है, डिजाइन फैशन, न्यू फैशन आया है। हाँ। आजकल एक साइड से काट लेना एक साइड से नीचे आ जाएंगे। हाँ। ये गोड़े गिट्टे तक पहुँचेंगे ना। हाँ। फिर ये अजीब फैशन लग जाएगा। ये कहता है मैं वो फैशन बनाऊंगा जो दुनिया में किसी ने ना बनाया ऐसे आके काम से फिर ऊपर जा रहे हैं। नहीं अम्मी ने बोला है इसको ना जाए नहीं के पास कटवा के ले, कहता नहीं आजकल फैशन बनाते हैं ना बच्चे, बाल कटवाने चाहिए। एक ने भी अपना फैशन बनाया हुआ है। हाँ नीचे नीचे से कटवा लेना, ऊपर ऊपर टोकरी रख लेना, और कोई प्याला कट होती है। हाँ कोई पता नहीं कौन कौन सी कटे हैं, ये कौन सी कट काट है मुनीर? पता नहीं ये झंडी काट है। वाह यार वाह, देख रहे हैं इधर से भी काटे हुए हैं। हाँ ये साइड भी काटी हुई है, ये नीचे भी काटे हुए हैं, नीचे भी काटे हुए हैं। सिर्फ ये जो है ना ये बाल ये ले आएगा नीचे तक। हाँ ये इसका डिजाइन होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। चलो पैप सही करके डाल दो इधर, बाल्टी भर लो जल्दी करो, ये तो पी रहा है पी जाएगा सारा। अच्छा मिल गई चाय,
हाँ जी चाय अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। बड़ा ऐलान किया ना आपने। मैंने कहा आज हमने लगा दो, कौसर ने चाय देने से मना कर दिया। हाँ जी, फिर कौसर चाय ले आई, उसको पता चल गया ना अब लगता है वाकई लगा ही ना थे, कौसर डर गई थी। है ना कौसर? मैंने देखा ना वो प्याले लेके धो रही थी ना, मैं इसीलिए मजाक कर रहा था आपके साथ। चलो वाल खोलो, देखो कहाँ अड़ता है पानी। सेट कर लो सारा। माशाल्लाह साकिब खान उठ गया, तैयारी भी कर ली। हाँ जी, तैयारी करके कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ओ किड्डी मेरे प्यो, शहर जाना है। ओ शहर चले, शहर जाना है, शहर चले। इसको इधर रख दो तो फिर बात करेगा। हाँ। चला मुंह में चिपकता है। हाँ उठा लिया, अब इनकी लड़ाई देखना। थप्पड़ मारता है, आपको भी मार देगा। लड़ रहे हो, लड़ रहे हो, किसके साथ लड़ रहे हो? फूफो के साथ लड़ रहे हो, लड़ाई नहीं किया करो। नहाया है तो ठंडा हो गया, अब सबके साथ झगड़ा कर रहा है। अभी सियारा कहता है आ जाओ मेरे पास। हाँ जी उठाओ इसको। चलो इतना लड़ाई करेगा, लड़ने के लिए उठा लिया, अब देरी खैर नहीं। वो देखो लड़ना नहीं है, ये सीधा मुंह पे वार करने वाला बच्चा है। लड़ना नहीं है। आप जैसे पीछे मुंह करोगे वह ज्यादा आपको तंग करेगा। वो उधर उधर साकेब, वो अपने बाबा को उठा दो। चलो उसको थोड़ा तंग करो ताकि वो उठ सके। हाँ उसको भी ऐसे उठाता है। सुबह आपको कैसे जगाया? आया मेरे साइड पे आके, वो जब मैंने पहने थे चादर तो वो उठाने लगा, खींच ली। ताकि उठता क्यों नहीं है? बातें करो, खाला को सलाम करो, सलाम अलैकुम, मुझे सलाम करो, अस्सलाम अलैकुम। चलो सलाम करो, अस्सलाम अलैकुम। सारे आ रहे हो? हम गले मिलने वाले लोग हैं, हम कौन सा सलाम करने वाले हैं? ऐसी बात है ना। अभी भाई क्या कह रहा है कि अभी मैं ठंडा हो गया, अब उधर चले, अब वो सो जाएगा, इसके हाँ लेकिन अब वो खुद आ गए लेने ना। हाँ कल भी झगड़ा कर लिया, आज फिर अबू जा रहा है, अबू जा रहा है, जा रहा है, अबू जा रहा है, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। निकलो अपनी अम्मी के पास जाओ, जाओ जाओ। वो देखो कैसे मारता है। जाओ अपनी अम्मी के पास जाओ, मेरे पास ना आओ, मेरे पास ना आओ, जाओ मेरे से लड़ते हो, गुस्सा करते हो, जाओ। जब आया ना गुस्सा तो जोर से मारेगा। अपनी अम्मी के पास जाओ, जाओ। वो देखो कैसे की जाना है, ऐसे बार खींची जा रहे, कभी नाक को कभी कान को। मैं नहीं मार सकता जी। वाह वे, वाह वे मिर्चुआ। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मुझे गुस्सा ना दिखाओ। जाओ मम्मा के पास, जाओ मेरे पास ना आओ, मैंने उठाना ही नहीं है आपको। आप मरते हो इसलिए। भाग जाओ, चलो निकलो। क्या कहता है? चलो मम्मा के पास आए क्या? नहीं मेरे पास, मम्मा के पास जाओ, जाओ। हाँ तो रोक ही नहीं रहा, सीधा मुंह पे हंसता है फिर। मियां मिट्ठू है मेरा, मियां मिट्ठू है। हाँ वो ऐसे मारता रहेगा। नहीं मारना, नहीं मारना, नहीं मारना। इस त्यागा कैसे करता है?
ऐसे मारता है ना। गले मिलो, गले मिलो। चलो अभी इसको सुलाओ सुलाओ, ये बहुत शरारती हो गया है। पिलाते हैं दवाई, पिलाते हैं तो फिर सुलाओ। हाँ जी, तेल लगा है। इसका साबुन कहाँ है? इसका साबुन, साबुन वो रखा हुआ है। इसका साबुन मैं उठा रहा हूँ। अब उठा रहे हैं साबुन। ओ भाई, उठा लो। मैं देखता हूँ कैसे आप फिर। अब ले जा रहे। मैं देखता हूँ अब आप कैसे साबुन मुझसे ले सकते हो। ये है वो, आप कैसे नहाओगे? कैसे नहाओगे? ये तो मैंने छीन लिया। नींद आ रही है। अभी नींद आ गई। अब कान में देना दे, नहीं दूंगा, मैंने नहाना है। ठीक है, कौशर ये ले जाऊं? हाँ ले जाओ। ओ भाई, कौशर ने भी बता दिया, ले जाओ। जा रहे हैं, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ लेके, साबुन लेके जा रहा हूँ। आप नहीं झगड़ा करता। कैसे कैसे नहाओगे आप? नहीं। कहते ले जाओ, आप नहीं झगड़ा करने वाला। हाँ, पहले ऐसे करता था। चलो ये लो, ये लो, कौशर को दे दिया। हाँ, अम्मी जान जो है अभी समीरा को फ्रेश करा रही है, फिर इंशाल्लाह उनको सरप्राइज देते हैं। इस्तिहाना और समीरा के लिए बिग सरप्राइज। इस्तिहाना के लिए भी सरप्राइज है? हाँ जी, माशाल्लाह। इस्तिहाना को पता है वो पहले ऐसे काम लिए। हाँ, सरप्राइज। ठीक है, हाँ आपके लिए भी है और समीरा के लिए भी है। दवाई पी है, दवाई नहीं पी, लोग क्या हो, चुप जाओ। वो फिर से इशारे दे रहा है। आज पता नहीं क्या है, करंट नहीं आ रहा, कहीं बैटरी से भी नहीं चल रहा। अब जी उस सिंगल प्लेट पे नहीं पूरी हो पाती। सिंगल प्लेट पे, सिंगल सिंगल प्लेट, कल अकेली प्लेट पे करंट पूरा नहीं हो पा रहा बैटरियों में। नहीं, वो बड़ी बैटरी से लगाए, उधर भी ऐसे कर रहा, नहीं हो रहा। वो अभी उसके साथ वाले भी अभी 10 पे पहुंची है, वरना सुबह सुबह चला देते हैं, करंट होता नहीं है, पंखे चल जाते हैं सारे। हाँ, सारे पंखे चले हुए, जमा होने दे फिर चलाएं तो फिर चलेंगे। जी जी, दो पंखे तो चल रहे हैं, तीसरा भी अब चल जाएगा। समीरा बैठी हुई है, वो भी चला हुआ है। सब पंखे चल जाते हैं, करंट जमा ही नहीं होते। बड़ी बैटरी है, जब तक ये खोल ना हो फिर ऐसे ही खत्म हो जाएगी। जी जी, मैंने कहा एक दिन बिल्कुल ही ना चलाओ इसको शाम तक, फिर देखना करंट फुल होता है या नहीं होता। सोने जाना है। अस्सलाम वालेकुम खाला, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? तो माशाल्लाह फैमिली मेरी एक साथ बैठी हुई है। जैसा कि आपने 5,000 रुपये हमारी सिस्टर्स के लिए भेजी थी, वो हम उनको देते हैं और दुआ कराते हैं। और आपने बताया था कि दिखाना है उनको वीडियो में, लाजमी मैं सामने देखूँगी, उनके हाथ में देने हैं। तो माशाल्लाह हम अभी दे रहे हैं। तो ये देखें, अब्बू और अम्मी भेज बैठे हुए हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? आपकी फैमिली कैसी है? बच्चे कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह पाक आपकी फैमिली को खुश रखे, कोई दुख तकलीफ ना आने दे। इसी खाला ने मस्जिद के लिए भी किए हैं अभी, माशाल्लाह के लिए। माशाल्लाह, बहन का शुक्रिया। अल्लाह पाक उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। आमीन। उन्होंने अल्लाह के घर के लिए ताउन किया। आमीन। मजबूर लाचार बच्चियों के लिए भी ताउन किया। पहले उसको दो, पैसों पे लड़ा हुआ कहता मुझे दो, मुंह में डाल देता। हाँ जी, तो अल्लाह पाक उन्हें रिज़्क में बरकत अता फरमाए। आमीन। ये हम बता रहे हैं कि ये हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं तीन जी। रकिया भी कुछ अब नॉर्मल है जी, चल फिर सकती है, बोल सकती है, काम काज भी करती है, लेकिन वो ताकत नहीं है, पटने का मसला है जी। जो आपका मसला है ना, ये मेरा इरफान, जो भी उनका मसला है, पटनों का मसला, कोई काम नहीं होता जी, दौड़ नहीं सकते, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, कोई वजन नहीं उठा सकते जी। इसी तरह रकिया का भी मसला है। हाँ, जकिया को भी यही मसला है। हाँ जी, समीरा जो है ना बिल्कुल ही डिसेबल है, ना जहन है, ना कोई जिस्मानी ताकत है जी। बस इलाज करते करते ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अब खाने के लायक हो गई है, कि खुद अपने हाथ से खा लेती है जी। बचपन से लेकर 8-10 साल की उम्र तक निवारे तोड़ तोड़ के मुँह में खिलाते रहते जी। बाकी इस्तिहाना है, ये भी डिसेबल है, जहनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी जी, ना बोल सकती है, ये बोल जुबान भी नहीं चली
वो भी नहीं बोलती, ये भी नहीं बोलती, ये डिसेबल है, सारी तो, बहुत परेशानी होती है इनकी वजह से। हाँ जी, तो हमारी बहन ने इनके लिए ताउन किया है जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अभी दें समिया और इस्तिहाना को, ताकि देखें उनकी खुशी कितनी है। और उन्होंने कहा है कि जो उनका दिल करे वो ले आए उनके लिए, जो चीज़ वो बोल तो सकती नहीं, लेकिन हमें तो पता है ना वो क्या चीज़ पसंद करती हैं, क्या उनके लिए लेना है, तो ज़रूर उनको ला कर दें ताकि उनको खुशी हो। तो इंशाल्लाह इनको खिलाएं पिलाएंगे, खिलाते पिलाते हैं तो माशाल्लाह, वैसे फ्रूट रोज़ाना लेते हैं माशाल्लाह, कभी मैं ले आता हूँ, कभी इरफान, कभी अब्बू, डेली मंगवाते हैं कि ये बच्चियाँ खाएंगी, खुश होंगी। खाने पीने में कमी नहीं करते हम, इनकी में कमी नहीं करते, अल्लाह पाक इन्हीं के सदके हमें रिज़्क दे रहा है जी। बाकी हमारे दो हालात तो खुद देख रहे हैं बहन भाई जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सिस्टर का जी, उन्होंने हमारे बच्चों के बारे में सोचा। अल्लाह पाक उनके रिज़्क में जान में माल में बरकतें अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक उनकी तमाम मुसीबतें दूर फरमाए, आमीन। मुश्किलात परेशानियां सब दूर फरमाए, आमीन। ये देते हैं उनको 5,000 में। हाँ जी 5,000। कितने कितने देने हैं ये? वैसे तो इनके आधे आधे हैं। चलो दो समिया इस्तियाना को दे दो, ये आधे आधे कर लेंगे, एक साथ ही इकट्ठे खाएंगे, ये 3,000 इस्तियाना। हाँ और ये समिया, समिया पैसे, समिया ये लो, ये ले लो पैसे, पैसे ले आप फ्रूट खाएं, ये लो फ्रूट ले आए, वो खुद लेगी, ये लो ये लो ये लो। हाँ पैसे क्या लेंगे? फ्रूट ले आएंगे। हाँ जी इस्तियाना आप क्या खाओगी? क्या खाओगी? अच्छा चलो दुआ कर दो आप। चलो ये रख के, ये रख के दोनों, फिर समिया से भी दुआ करवा दो खाला के लिए और घर के लिए, इस्तियाना भी कर रही है। दुआ करो अल्लाह पाक उनके लिए हमें बरकतें अता फरमाए, आमीन। माशाल्लाह जी, आपने फ्रूट खाना है इंशाल्लाह, फ्रूट ही खाएगी। उसको पता भी तो नहीं है बेचारे का, ऐसे रो रही है। दे दो पैसे, दे दो अम्मी को, दे दो पैसे, तो दो अम्मी को, दे दो कैसे करूं।